नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची समय झारखंड के विभिन्न जिलों का मौसम बदलेगा, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत झारखंड में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप झारखंड में कहां पर रहते हैं। तो झारखंड में आज से काले बादल और घने कोहरे और धुंध से थोड़ी राहत मिली है। अचानक मौसम में दोस्तों बदलाव है और आसमान साफ है और राज्य के कई हिस्सों में हल्की धूप खिली है जिससे लोगों को राहत मिली है। हालांकि सुबह राज्य के समय कई हिस्सों में दोस्तों कोहरा नजर आया, लेकिन धीरे धीरे वह छट गया। मौसम विभाग के अनुसार आज से जो ना राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा, आसमान में बादल नहीं होंगे और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सुबह ही दोस्तों हल्की ठंड और तापमान गिरने का एहसास देखने को मिलेगा, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में बदलते मौसम के मिजाज के साथ अब तापमान में थोड़ी और गिरावट की संभावना है, जिसका सीधा असर राज्य के अनेक इलाकों पर देखने को मिल सकता है। यानी मौसम काफी ठंडा और सुहाना रहते हुए नजर आ सकता है, बादल भी छाए रहेंगे और मौसम विभाग की ताजी जानकारी के मुताबिक आज से अगले 3 दिनों तक कई हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। सुबह हल्का कोहरा नजर आएगा और धीरे धीरे इसे राहत भी मिलेगी, लेकिन राज्य में किसी तरह का अलर्ट भी जारी नहीं है। 24 से 48 घंटों के दौरान दोस्तों न्यूनतम अधिकतम तापमान मिला जुला और झारखंड में सबसे कम जो है ना तापमान गुमला में दर्ज किया गया, जो कि 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद धनबाद में सबसे ठंडा रहा और यहां पर 9.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि लोहरदगा और खूंटी में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। बोकारो में 12.4 डिग्री करीब दर्ज हुआ है और इसी के साथ चतरा में 10.6, देवघर में 13.2, धनबाद में 9.9, गढ़वा में 13.3, गिरिडीह में 13.3, गोड्डा में 10.7, गुमला में 9.6, हजारीबाग में 12.5, जामताड़ा में 10.9, खूंटी में 10.6, लातेहार में 10.7 और लोहरदगा में 12.2, पाकुड़ में 10.3, पलामू में 12.5, रांची में 13.9, साहिबगंज में 10.5 डिग्री सेल्सियस, सिमडेगा में 11.7 डिग्री सेल्सियस और पश्चिमी सिंहभूम में 11.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान आया है। मौसम में ठंडक के उतार चढ़ाव जारी और झारखंड में घने कोहरे को लेकर अलर्ट है। राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में झारखंड में थोड़ी राहत मिलती हुई नजर दिख रही है, तो कुछ जगहों पर बदलाव भी देखने को जो है थोड़ा कम देखने को मिलेगा। घने कोहरे के चलते दोस्तों मौसम विभाग की मान तो येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सुबह सुबह खासकर यहाँ पर यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। रांची मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ के असर के कारण झारखंड में अब कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है पश्चिम विक्षोभ का असर। इस वजह से आने वाले दिनों में दोस्तों जो है बारिश के कोई आसार तो नहीं है, लेकिन हालांकि हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के कारण राज्य के कनकनी और हवाओं के असर के कारण कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों खास करके कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पर लोग सुबह सुबह यात्रा करने से परहेज और वरना दुर्घटना होने की संभावना है। यानी कि दोस्तों गाड़ी चलाते वक्त विशेष रूप से ध्यान रखें अपने और परिवार का। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि खास करके दोस्तों मौसम विभाग की माने तो ठंडा सोना भी देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों कई जिलों में सुबह शाम काफी ज्यादा ठंडा सोना रहेगा। पिछले 24 घंटों की बात किया तो बोकारो में 11.5 के करीब और रांची में 12.7, जमशेदपुर में 13.4, डाल्टनगंज में 13.3 और इसी के साथ साहिबगंज में 11.6, चतरा में 10.6, देवघर में 13.2, धनबाद में 9.9, गढ़वा में 13.3, गिरिडीह में 13.3 और गुमला में 9.6, हजारीबाग में 12.5, पाकुड़ में 10.3 और इसी के साथ पलामू में 12.5, साहिबगंज में 10.5, पश्चिमी सिंहभूम में 11.2, सिमडेगा में 11.7 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। और पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान झारखंड में कई जगहों पर मौसम बदला है। वही दोस्तों लोग जो है ना गर्म कपड़े और यहाँ पर स्वेटर पहनते हुए नजर आ रहे हैं। कई हिस्सों में भारी ठंड के प्रकोप के साथ दोस्तों मौसम बदलाव के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी ठंडा सोना रहने के साथ और भी ज्यादा हलचल और परिवर्तन होते हुए नजर आएगा और बादलों की वजह के साथ झारखंड का मौसम काफी ठंडा और सोना देखने को मिलेगा। पिछले 1 सप्ताह के दौरान दोस्तों ठंडा सोना मौसम रिकॉर्ड किया गया। अब ज्यादातर इलाकों पर दोस्तों जो है ना रांची समेत आसपास के इलाकों पर परिवर्तन होने और ठंडा सोना रहने के आसार अधिक से अधिक है। लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग में भी मौसम में ठंडक और उतार चढ़ाव जारी है। राजधानी रांची में यहाँ पर दोस्तों राज्य के कई हिस्सों में कोहरा भी छाया है और आंशिक रूप से बादल छाए हैं। पिछले 2 से 3 दिनों में धूप ठीक से नहीं खिलने की वजह से लोगों को ठंड सता रही थी, जिसके बाद दोस्तों जो है ना मौसम में बदलाव देखा गया है। सुबह रांची में कोहरे छाए रहने के साथ धीरे धीरे मौसम साफ हो गया और रांची में कुछ देर के बाद धूप खिली रही और थोड़ी देर के बाद दोस्तों मौसम ठंडा सोना रिकॉर्ड किया गया। आज से विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव और उतार चढ़ाव जारी रहेगा और पश्चिम विक्षोभ को चक्रवाती परिसंचरण के रूप में देखा जा रहा है। उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम ठंडा सोना रहने के आसार है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग समेत मौसम में ठंडक है और बदलाव भी देखने को मिल रहा है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तापमान में गिरावट के साथ मिला जुला रहेगा। आप झारखंड में कहां पर रहते कमेंट करके जरूर बताना। न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान में गिरावट है और इसी के साथ गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में सुबह शाम घना कोहरा दिखाई दे सकता है। बारिश की बात किया तो आने वाले दिनों में कोई बारिश के आसार तो नहीं है, लेकिन ठंडा सोना जरूर रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 11, बोकारो में 13,
चतरा में 10.7, देवघर में 13.6, धनबाद में 12, गिरिडीह में 13, हजारीबाग में 12.9, खूंटी में 11, लातेहार में 11.6, सिमडेगा में 12.6, पश्चिमी सिंहभूम में 12.3, रामगढ़ में 12.7, लोहरदगा में 9.7, जमशेदपुर में 14, चाईबासा में 12.4 के करीब न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में अच्छी खासी ठंड पड़ती जा रही है, वहीं अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट आते हुए नजर आ रही है। पश्चिमी छोर में आने वाले दिनों में हवाएं और ठंड कनकनी बढ़ेगी और मौसम में बदलाव भी होगा। झारखंड के पश्चिमी व मध्य जिलों में दोस्तों बादल छाए रहने के साथ मौसम मिला जुला रहेगा और अनेक इलाकों पर बादलों की वजह के साथ झारखंड में मौसम में लगातार बदलाव भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक एक जिले की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोहरदगा में 13-14, तो दिन के समय जो है ना काफी ज्यादा जगहों पर दोपहर के समय 21-22 के करीब भी तापमान जा सकता है। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला रहने के साथ ठंडा सोना भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे लातेहार का मौसम बदलेगा, रात के समय 13-14, तो दिन के समय दोस्तों 22-23 के करीब तापमान जा सकता है। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन और मौसम ठंडा सोना भी देखने को मिल सकता है और बादलों की वजह के साथ बदलाव भी होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोडरमा में 12-13, रात के समय दिन में 21-22, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहने के साथ और भी ज्यादा हलचल होते हुए नजर आ सकती है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर खूंटी में 12-13 रात के समय, तो दिन के समय 23-24 के करीब तापमान रहेगा, मौसम में ठंडक रहेगा, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बदलाव होने के आसार है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे जामताड़ा का मौसम बदलेगा, रात के समय 14-15, तो दिन के समय 24 के आसपास तापमान रहेगा, मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। यहाँ पर हजारीबाग में 12-13 रात के समय दिन में 19-20 के करीब तापमान रहेगा, बादलों की वजह के साथ मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी है। गुमला में 14-15-16 रात के समय, तो दिन के समय दोस्तों मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा, 23-24 के करीब तापमान, बादलों की वजह के साथ बदलाव होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गोड्डा में 12-13 रात के समय दिन में 23-24 बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला भी रह सकता है। गिरिडीह में 13-14 रात के समय दिन में 23-24 बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, मौसम में ठंडक रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा और परिवर्तन होने के आसार है। यहाँ पर गढ़वा में 13-14 रात के समय, तो दिन के समय 23-24 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, मौसम ठंडा सोना भी देखने को मिल सकता है। पूर्वी सिंहभूम में 17-18-19 रात के समय, तो दिन में 26-27 मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। दुमका में 14-15-16 रात के समय दिन में 24-25 मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी है। दुमका में 14-15-16 रात के समय दिन में 24-25 बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है। धनबाद में 14-15-16 रात के समय, तो दिन के समय 24 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और बादल छाए रहने के साथ मौसम साफ सुथरा रहेगा, तो कई जगहों पर भारी ठंड के प्रकोप के साथ उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। देवघर की बात करें तो 13-14-15-16 रात के समय दिन में 23-24 के करीब तापमान रहेगा, मौसम में ठंडक है, उतार चढ़ाव जारी है, बादल भी छाए रहेंगे, मौसम मिला जुला भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पर अधिकतम तापमान 221 के आसपास रहेगा, यानी कि भारी से भारी ठंड के प्रकोप के साथ लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन होने के आसार अधिक से अधिक जगहों पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोकारो की बात करें तो 15-16 रात के समय दिन में 25-26 के करीब तापमान रहेगा, मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन होने के आसार अधिक से अधिक देखने को मिलेगा और मौसम ठंडा सोना भी जरूर देखने को मिलेगा। चतरा में 12-13 रात के समय दिन में 21-22 के करीब तापमान रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहेगा और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ और भी ज्यादा हलचल और परिवर्तन आते हुए नजर आएगा। सिमडेगा में 17-18 रात के समय दिन में 27-28 के करीब तापमान रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, मौसम में ठंडक है, मौसम मिला जुला रहने के साथ परिवर्तन होने के आसार अधिक से अधिक देखने को मिलेगा। यहाँ पर खरसाओं में दोस्तों रात के समय 16-17, दिन में 26 के आसपास तापमान रहेगा, बादलों की वजह के साथ